चुनाव जीतने के बाद विधायक नीलकंठ टेकाम पहली बार केशकाल पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जोरदार स्वागत किया उनका। इसके बाद विधायक टेकाम ने बस स्टैंड में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक टेकाम ने कहा कि क्षेत्र की जनता के बदलाव की परिकल्पना अब जाकर साकार हुई है। अब हमें ऐसा काम करके दिखाना है कि आने वाला 25 साल कांग्रेस 25 साल तक वापस न लौट सके। आगे विधायक ने कहा कि केशकाल घाट हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। 10 साल से रुके बाईपास मार्ग के काम को शुरू करने की कोशिश भी की जाएगी। ये दावा भी नीलकंठ टेकाम ने किया है। हमारी प्राथमिकता केशकाल घाट है, केशकाल का सौंदर्यीकरण है और सारे ऐसे गांव जो वर्ष भर किसी न किसी कारण से कुछ गांव जो है वो नदी नालों की वजह से कटे रहते हैं उनको जोड़ा जाएगा और शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता क्रम में काम किया जाएगा।